हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आई होप आप सब हेल्दी हैं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है जुलाई 2022, यानी कि जुलाई 2022। साल का सातवां महीना आ चुका है, 5 महीने बाकी हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, आधा साल सोचते ही रह गए कि ये चेंजेस लाइफ में लेके आने हैं, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। जुलाई वो मंथ हो सकता है जिसमें आप कुछ बहुत बड़े चेंजेस अपने लाइफ में ला सकते हो। अब वो क्या चेंजेस हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके घर में, ऑफिस में, करियर में, फाइनेंसेस में, वो हम टैरो कार्ड रीडिंग से देखेंगे। मैं एक एक कार्ड पुल आउट करूंगी आपके पर्सनल, प्रोफेशनल एंड ओवरऑल कार्ड के लिए। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे गाइडेंस भी है फ्रॉम द ओरेकल, जो हमें बताएंगे कि मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, सबसे बड़े चेंजेस, सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल क्या होने वाला है आपकी लाइफ में जुलाई 2022 में। एंड देन फिर हम गाइडेंस देखेंगे, टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी, टी लीफ कार्ड्स भी हम देखेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस, कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स हमें पता लग सकते हैं। सो बहुत कुछ देखेंगे, सिंप्लीफाइड रीडिंग है, ज़्यादा लंबी मैं इसको करूंगी नहीं, टू द पॉइंट गाइडेंस रखेंगे यहाँ पे। एंड तो चलिए देखते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम। यस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए जैसे अभी तक दिखा रहे हैं। उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें ये रीडिंग ऐसे टैरो रीडिंग्स पसंद है, जो इससे इंस्पायर होते हैं, या जिनको ऐसी रीडिंग्स हेल्प करती हैं, इंस्पायर करती हैं, कुछ मोटिवेशन देती है। सो उन लोग के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और नाम आपकी स्क्रीन पे है। सेम द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से ही मेरा अकाउंट है, सो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। मेरी फोटो भी मेरे इंस्टाग्राम में है, तो यहाँ से वहाँ से मैच करके देख लीजिएगा, एक ही अकाउंट है मेरा वहाँ पे। वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करिए और वहाँ पे मैं आपको पर्सनल रीडिंग के लिए सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो या फॉलो मी देयर एज वेल। सो जनरल रीडिंग, ज़रूरी नहीं है कि जो सारे चेंजेस यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ सब के सब आपकी लाइफ में हो जाएंगे, बट जो आप क्लेम करना चाहते हैं आप वो क्लेम कर सकते हैं, जो आपको लगता है आपके लिए नहीं है उसे पास ऑन कर दीजिए, हो सकता है वो और व्यूअर्स के लिए हो। सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 लपीज, एंड मैं इन आपको इन पाइल्स का क्लोजअप भी दिखाऊंगी। अगर बाय चांस आप अभी नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं तो आप आराम से वीडियो पॉज करके भी इनको सिलेक्ट कर पाएंगे। इसका क्लोजअप मैं आपको इस इंट्रो के बाद दिखा दूंगी। सो पाइल नंबर 1 इज लपीज, सो ये थोड़ा ब्लू, सिल्वरिश, वाइट, ग्रे, कुछ ऐसे टोन्स हैं इस टोन में। पाइल नंबर 2 इज येलो एवेंचुरीन, एंड दिस स्टोन इज वेरी गुड फॉर योर सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके इमोशंस के लिए, आपके फियर्स के लिए। ओके, एंड पाइल नंबर 3 इज स्मोकी क्वार्ट्ज, अगेन आपके रूट चक्र के लिए ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है, बहुत अच्छा स्टोन है। सो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा ये, बट स्मोकी क्वार्ट्ज। सो आराम से टाइम लीजिए, आराम से अपना पाइल चूज करिए और आप क्लोजअप इसका देख पाएंगे इस इंट्रो के बाद। जल्दी चूज करिए एंड फिर मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था ये लपीज और इसको हम यहाँ साइड पे रख देते हैं। ये है आपका गाइडेंस कार्ड जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि क्या मैसेज है आपके लिए। ओरेकल्स मैं आपके सामने यहाँ रख रही हूँ और टैरो एंड टी लीफ कार्ड्स हम ऑन स्क्रीन ही शफल करेंगे। ओके, राइट। आई थिंक इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट मार रहा है उधर। राइट, सो अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, एंड स्पिरिचुअल करियर।
सो फॉर मी आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई पाइल नंबर वन आप ऐसे कुछ चेंजेस अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जैसे आपको एंजल नंबर्स देखना शुरू हो गए हैं, फेदर्स दिखना शुरू हो गए हैं, या आप में से कुछ लोग का इंटरेस्ट टैरो या टैरो रीडिंग्स, ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कहते हैं ना अननोन टॉपिक्स पे जाने लग जाएगा, या आप कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे चेंजेस अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे जो शायद आपने पहले नहीं करे है. ओके, ये ऐसी सिचुएशन आपको कंफर्टेबल भी फील करवा सकती है, आपको अनईजी फील करवा सकती है, एक डर डाल सकती है आपके अंदर कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अचानक से मुझे ऐसी चीज़ें क्यों दिखने लग गई हैं, अचानक से मेरे थॉट्स क्यों बदल रहे हैं, अचानक से ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं. द एंजल्स आर सेइंग दैट आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, और जब ये असेंशन होता है, जब आप इस, कहते ना, इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होना शुरू होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो कई बार वो रास्ता थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे सकता है, थोड़ा अनईजी हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं. सो कुछ भी ऐसा अनफेमिलियर, अननोन अगर आपके साथ हो रहा है, उसको होने दीजिए, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली मेंट टू डू दिस. चाहे वो पूजा पाठ क्यों ना हो, कि आप भगवान को नहीं मानते थे इतना टाइम, अब आप भगवान को मानने लग गए हो, किसी गुरु को मानने लग गए हो, बट यू आर नॉट श्योर कि क्या ये सही है, ये जो चेंज आ रहा है ये सही है. इसलिए आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि होने दीजिए जो हो रहा है, क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप इसके बेनिफिट्स आने वाले टाइम में देखेंगे. स्पिरिचुअल करियर के साथ मैं इसलिए इस कार्ड को रिलेट कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास इनबिल्ट टैलेंट हो सकता है. कहते ना, हम पैदा हुए थे इसके साथ, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आपकी इंट्यूशन, साइकिक अबिलिटीज़, सपनों में आप चीज़ें देख लेते हो, आपको हिंट्स मिल जाती हैं. आप में से बहुत लोग गिफ्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे टूल्स के साथ, डिविनेशन टूल्स के साथ. एंड हो सकता है आप फाइनली जुलाई में सोच रहे हैं टैरो रीडिंग का कोर्स करना, कुछ भी, मतलब कुछ भी, इतने सारे कोर्सेज होते हैं, रेकी करना, एंजल ऑरा, मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर, बट मे बी योर थिंकिंग, आप योगा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, योगा के टीचर बनना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक्स लिखना चाहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में लिखना चाहते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो आप जुलाई में कर सकते हो शुरू. एंड आप में से बहुत लोग इसके ऊपर कहते हैं ना, इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं. सो मुझे बताइएगा अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ रहा है. ट्रैवल इज देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई. अब ये हॉलीडे के लिए है, ये आप रीलोकेट कर रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, अगर दूर रहते हो तो घर वापस आ रहे हो, बट ट्रैवल इज सिग्निफिकेंट, ट्रैवल इज वेरी सिग्निफिकेंट. और ये मुझे थोड़ा, कुछ लोगों के लिए हाँ ये टेम्पोररी छोटा मोटा ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये कहते हैं ना लाइफ की एक जर्नी शुरू हो रही है, स्पेशली क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और ये अननोन टेरिटरी का कार्ड है ना, तो हम एक जर्नी में, एक टाइम स्पेस में जा रहे हैं, अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन पे हम एक टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, डायमेंशंस ट्रैवल कर रहे हैं. 5D के बारे में जान, हम 3D में है, अब हम 5D के बारे में जान रहे हैं, 4D के बारे में जान रहे हैं. सो वी आर ट्रैवलिंग विद टाइम हियर, वी आर ट्रैवलिंग इन आवर इमेजिनेशन, उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज हैं. ओके, बट यस, रीलोकेशन, हॉलीडेज, जो लिटरल मीनिंग है इस कार्ड का कि यस, ट्रैवल इज ऑन द कार्ड. सो जुलाई में आप लोग किसी भी तरह का ट्रैवल कर सकते हो, चाहे काम के लिए हो या चाहे लेजर के लिए हो. कम्युनिटी कार्ड इज देयर, सो फ्रेंड्स, या कहते ना जो हमारे आसपास लोग हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, वो एक्टिविटीज हाईलाइट हो सकते हैं जुलाई के मंथ में. हो सकता है किसी की शादी हो रही हो आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, बट सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, क्योंकि मेरे लिए एक तरीके से 3 of Cups का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड. तो हम जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारे दोस्त, कजन्स, एनीवन, उनकी शादी हो रही है या हम किसी इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं उनके साथ, कम्युनिटी यानी कि लोगों के साथ मिलकर कुछ करना इज हाईली पॉसिबल. सो बताइएगा, शादी है, इंगेजमेंट है, रोका हो रहा है किसी का, कोई पार्टी, और ये जो ट्रैवल है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, फैमिली के साथ कर सकते हैं, कम्युनिटी में कुछ करना. हो सकता है आप किसी कम्युनिटी एक्टिविटी का पार्ट बन रहे हो, जैसे होता है ना कि संडे के संडे आओ हम अपना ब्लॉक साफ करेंगे, अगर आप बॉम्बे में है तो हम जुहू बीच साफ करने जाएंगे. सो कम्युनिटी के लिए कुछ करना,
और लोगों के साथ मिलकर करना, अकेले नहीं, किसी ग्रुप का पार्ट बनना, किसी ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट बनना इज डेफिनेटली वेरी सिग्निफिकेंट। और अगर इतना कुछ बड़ा आप नहीं भी कर रहे हैं तो ये एक वीकेंड की पार्टी भी हो सकती है, लोगों से मिलना, कम्युनिटी में यू नो लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, एनर्जी एक्सचेंज करना, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप श्योर नहीं है कि आपको ये ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, क्या आपको ये स्पिरिचुअल करियर में जाना चाहिए या नहीं, क्या आप इसके लिए रेडी हैं, अगर कम्युनिटी कहीं ना कहीं आप लोगों के आसपास सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अचानक से मुझ में ये चेंजेस क्यों आ रही हैं, या मैंने ये क्यों किया, कैसे शुरू किया, कॉन्फिडेंस अपना ऊपर रखिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। ये अननोन टेरिटरी में जो हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो हमें अनईजी लग रहे हैं, उनको उनसे आगे उनको ओवरकम करने का तरीका सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आपने मान लिया, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जहां मैं हूं ये सही जगह है, ये मेरे साथ होना है, और मैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट करता हूं, करती हूं यूनिवर्स या मेरे भगवान की वजह से, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई बिकॉज यू विल बी सक्सेसफुल। पाइल नंबर वन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली कोई भी करियर शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करिए कि आप एक बहुत अच्छे टैरो रीडर, रेकी हीलर, कुछ भी, जनरल हीलर, कुछ भी, आप जो कोई भी डिविनेशन में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, यू नो ज्योतिष में, ज्योतिष यू नो ज्ञान में कुछ करना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर आगे लेके जाएगा। सो अपने कॉन्फिडेंस को मत गिरने दीजिए किसी के बारे में भी सोच के कि क्या होगा, कैसे होगा। कॉन्फिडेंट रहिए कि आपसे हो जाएगा एंड डेफिनेटली होगा। नाउ वी विल सी टैरो, यहाँ पे शफल करते हैं। ओके, सो फॉर पाइल नंबर वन एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ फॉर जुलाई 2022। ओके, वन कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। वाओ, ये तो अपने आप ही आ गया नीचे। ओके, एंड वन कार्ड फॉर देयर ओवरऑल थिंग। ब्यूटिफुल सन कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर वन आपकी पर्सनल लाइफ में आया है हर्मिट का कार्ड, प्रोफेशनल में क्वीन ऑफ कप्स, एंड ओवरऑल कार्ड इज द सन। ओवरऑल कार्ड द सन इसलिए भी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि घर में शायद कुछ हो रहा है, शादी हो रही है, सगाई हो रही है, कुछ ना कुछ पक्का हो रहा है, कुछ काइंड यू नो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज हैपनिंग इन द फैमिली, सो दैट इज वेरी गुड। आप में से कुछ लोग बच्चों की प्लानिंग अगर कर रहे हैं, मैरिड है एंड कंसीव करना चाहते हैं, तो घर में जैसे कोई बच्चा आ रहा है वो भी पॉसिबल है। ऑल्सो द सन कार्ड अगेन सिग्निफाइज ट्रैवल। घोड़ा देख रहे हैं, घोड़े को हम टैरो में ट्रैवल से ही कनेक्ट करते हैं, ट्रैवल यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जुलाई में ट्रैवल आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, विच कैन ऑल्सो बी ट्रैवलिंग अब्रॉड। आप अब्रॉड भी ट्रैवल कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, आप अपनी आगे की जर्नी, अगर आप जुलाई में ट्रैवल नहीं करते हैं लेकिन आप रिलोकेशन पढ़ाई के लिए या किसी भी रीजन की वजह से ट्रैवल करने का जुलाई में प्लान कर सकते हैं। ओके, दिस कैन बी फॉर फैमिली, दिस कैन बी फॉर वर्क। ये फैमिली, वर्क, फ्रेंड्स के साथ किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, आप बहुत खुश रहेंगे। एक और मैं चीज आपको बता दूं, सन का कार्ड मतलब कि हम जनरली बहुत खुश हैं, बहुत फ्री स्पिरिटेड फील कर रहे हैं, आजादी फील कर रहे हैं, एंड सन का कार्ड अगर इस स्पिरिचुअलिटी के उसको लेके आया है, ये आप फील करोगे और ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ कि आपको ये डिविनेशन जो है कितना और आजाद फील कराती है फ्रॉम योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम से हमें इतना आगे निकाल देगी कि आप ऑटोमेटिकली ये जो अनइजीनेस फील करोगे ना, ये आगे जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, नाउ आपकी पर्सनल लाइफ में आया है हर्मिट का कार्ड, एंड हर्मिट का कार्ड बेसिकली टेल्स अस कि शायद आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा जुलाई में होल्ड हो सकता है, यू नो होल्ड इन द सेंस, ये नहीं कि खत्म हो रही है, लेकिन आपसे यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको रिफ्लेक्ट करना है जुलाई में कि आपको आगे क्या करना है। हो सकता है अगर चीजें ठीक नहीं रही हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पॉज है, अगर बात नहीं हो रही है, आपको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं ना, बैठ के सोचने की जरूरत है, अकेला टाइम बिताने की जरूरत है,
कि मैं कैसे चीज़ें ठीक कर सकता हूँ या अब आगे क्या करना है. अगर चीज़ें ठीक भी है तो अब आगे क्या. प्लानिंग का कार्ड होता है हर्मिट कार्ड, पर वो प्लानिंग हम खुद के साथ अकेले बैठ के शांति में कर रहे हैं, आगे के डिसीजंस ले रहे हैं. कोई ना कोई आपकी हेल्प कर सकता है, कहते हैं ना अंधेरे में आपको कोई समझा सकता है बैठ के, तो वो हेल्प आप ले सकते हैं. लेकिन आपके खुद के अंदर के थॉट्स आपको क्या बता रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये जुलाई में आप सुनिए और उन पर गौर करिए. अगर आप सिंगल हैं सो यस देर इज आई थिंक जुलाई का महीना थोड़ा अकेले ही बीत सकता है आप लोगों के लिए. हर्मिट मतलब अपने साथ अपने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना. और ज़रूरी नहीं है कि मजबूरी से हो रहा है कि भाई हमें कोई मिल नहीं रहा है, ये आप यू नो विशफुली भी कर सकते हो, विलिंगली भी कर सकते हो कि मैं एक्चुअली अब अकेले ही रहना चाहता हूँ, अपने साथ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ. सो हमारा ध्यान कहीं और यू नो पढ़ाई पे है या हमारे काम पे है, कुछ और हमें बिजी रख रहा है. सो वी आर नॉट इंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. सो आइसोलेशन का अकेले थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना जुलाई में, ये ज़्यादा पॉसिबल है आप लोगों के लिए. क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ा ड्रामा हो सकता है आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, थोड़ा ड्रामा, लेकिन हम जो करना चाहते हैं हम वो कर रहे हैं. वी आर डूइंग व्हाट वी लव. ओके, लाइक आई सेड, क्योंकि यहाँ पे अनईजी का भी कार्ड आया था कहीं ना कहीं. क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो टेल्स मी कि हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा, और हम वो करना चाहते हैं. हमारी इंट्यूशन हमें कहती है कि हमें वो काम करना चाहिए, लेकिन हम उसके प्रोज और कॉन्स को, कहते हैं ना उसके राइट और रॉन्ग को, कई बार जज नहीं कर पाते हैं और हम कोई स्टेप आगे लेने से डरते हैं. ओके, आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप वही चीज़ कर रहे हैं जुलाई में जो आप करना चाहते हैं, और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है. क्वीन ऑफ कप्स इज हाई इंट्यूशन कार्ड. कप्स कार्ड मतलब इंट्यूशन कार्ड. तो मुझे लगता है कि आप ऐसे कनेक्शंस बना सकते हैं जुलाई में, ऐसे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं जुलाई में जो आपको हेल्प करेंगे कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करने के लिए. नए कनेक्शंस बन रहे हैं, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, हमारी सबकॉन्शियस में हमें पता चल रहा है अब हमें लाइफ में आगे करना क्या है, हम क्या करने के लिए पैदा हुए थे. वो चीज़ आप जुलाई में शुरू कर सकते हो अपने काम में, बहुत ज़्यादा हाई चांस है. अपने काम को लेके इमोशनल होना, उसमें पैशन डालना, यू नो बाकी काम हम पैसे के लिए करते हैं. आप जुलाई में कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको प्यार है. सो दैट इज़ देयर फॉर यू. और यहाँ पे आप देखेंगे ऑयस्टर का कार्ड है, तो मेरे लिए कुछ कहते हैं ना कोई हिडन टैलेंट आपका बाहर निकल रहा है, अब हम उसको परस्यू कर रहे हैं. कुछ अंदर हिडन टैलेंट है और अब हम उसको बाहर निकाल रहे हैं. तो जुलाई के मंथ में डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटी ये है. सो ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर. आई वुड से कि प्रॉबेबली क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बिजी हो सकते हैं जुलाई में, इसलिए आपने अपनी पर्सनल लाइफ होल्ड पे डाली हुई है, या वो अपने आप होल्ड पे चली जाएगी कि उसको थोड़ा साइड पे रखो, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही है वो, या अभी लाइफ अभी है लंबी, बहुत कुछ अचीव करना है. ये जो मेरे साथ हो रहा है या ये जो चेंजेस या ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैं करने की सोच रहा हूँ, ये जो मैं रिस्क लेने का सोच रही हूँ, पहले उनके बारे में सोचते हैं जुलाई में. ऑल राइट, सो यहाँ पे गाइडेंस कार्ड ये है आपके लिए. टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव. किसी और को चार्ज मत दीजिए अपनी लाइफ का कि वो आपके लिए डिसाइड करे आपको क्या करना है. आपको शायद कहीं ना कहीं, कहते हैं ना आपका दिमाग आपके साथ खेलता है, या लोग आपको बताते हैं, आपकी फैमिली आपको बताती है आपको क्या करना है, बड़े होके क्या बनना था, ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सोसाइटी में ऐसा होता है, हम कम्युनिटी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन एंजल्स आर सेइंग कि आपकी लाइफ में तो जो आपको ठीक लगता है वही करना लिखा है, एंड आपका पर्पस कुछ और है. पाइल नंबर वन, डेफिनेटली आपका पर्पस कुछ और है. आप वो करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं. आप डेफिनेटली कुछ अलग करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू नो साइकिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आप कुछ ऐसा करने के लिए पैदा हुए हैं. यहाँ पे पैसा नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे पैशन, फायर और कुछ हिडन टैलेंट जो हमारे अंदर है, हम उस पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. तो किसी और को मत डिसाइड करने दीजिए कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में क्या करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या करने की ज़रूरत है. आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, और आप अपनी कहानी खुद लिखिए. वैसी मत लिखिए जैसे ऑलरेडी आपके पापा की या यू नो घर में किसी बड़ों की लिखी गई है, या कोई आपको नहीं बताएगा कि आपने क्या करना है. आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए, और फ्रीली करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए. कॉन्फिडेंस इज द की, रिमेंबर दैट.
अब यहाँ पे टी लीफ कार्ड मैं आपके सामने यहाँ पे शफल करती हूँ एंड लेट्स सी क्या गाइडेंस है पाइल नंबर वन के लिए फॉर जुलाई 2022। तो पाइल नंबर वन, लेट्स सी एक और लेते हैं यहाँ पे, राइट, ओके, फायर क्रैकर एक्साइटमेंट। सो जुलाई में डेफिनेटली कोई ना कोई एक्साइटमेंट है, कोई ऐसी चीज है, कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ फायर क्रैकिंग मोमेंट आया है, कुछ तो ऐसा आया है जिसकी वजह से एक्साइटमेंट आ गई है लाइफ में, कुछ रियलाइजेशन आई है, कुछ ऐसा बम फटा है जिसकी वजह से कुछ एक्साइटमेंट आई है। ऑल्सो कम्युनिटी कार्ड, जैसा मैंने कहा है, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई शादी भी हो सकती है जिसकी वजह से काफी एक्साइटमेंट हो सकती है जुलाई के मंथ में। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, सो यस, यू हैव अ गोल इन माइंड नाउ। अब आपको पता है आपको क्या करना है जुलाई में, वो रियलाइजेशन कि मुझे क्या करना है डेफिनेटली होगी। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, हो सकता है इसीलिए आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि दूर आपका कोई फ्रेंड, पार्टनर, कोई आपके बारे में सोच रहा है और आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप उनसे मिलने जा रहे हैं या आप दोनों का कम्युनिकेशन बनता है, वेरी हाईली पॉसिबल। इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, जैसा गाइडेंस कार्ड आया था कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि हमने क्या करना है, लाइफ को कहाँ लेके जाना है, लाइफ अपने आप चलती जा रही है पहिए की तरह, हम उसको लेके नहीं जा रहे हैं। कहते ना गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ दिए, भाई तू जहाँ लेके चलना है ले चल, आपको गियर आपको कंट्रोल करना है, आपको गियर अपने हाथ में लेना है, यू नो, वो चलाने का व्हील, स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना है, अपनी लाइफ आपने खुद कंट्रोल करनी है। सो अपने डिसीजंस लीजिए जो आप करना चाहते हैं। जून ऑलमोस्ट खत्म हो गया जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट अगर इन 3 दिन में भी अगर ये रीडिंग देखने के बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हो, या हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ कुछ सिग्निफिकेंट जून में हो चुका है जिसकी वजह से, या थोड़े टाइम से चल रहा है बट स्पेसिफिकली जून में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जुलाई में आप ये एक्शंस लेने वाले हो, यू नो, कदम आगे बढ़ाने वाले हो, सो देन जून वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। और ज़रूरी नहीं है जून, अगले साल का जून भी हो सकता है, अगर आपका बर्थडे एनिवर्सरी कुछ जून में है, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉन्फर्मेशन कि जून की ये रीडिंग, जुलाई की ये रीडिंग आपके लिए है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर वन, ये थी आपकी रीडिंग और जुलाई का फोरकास्ट। अगर आपने ये रीडिंग इन्जॉय की है, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हैव अ फैबुलस जुलाई एंड वी विल मीट सून, बाय। हाय पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग एंड चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। जुलाई 2022 में आपने ये येलो एवेंचरीन चूज किया था, इसको यहाँ साइड में रख देते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि टी लीफ कार्ड्स और टैरो में आपके सामने ही शफल करूंगी। ये है आपका गाइडेंस कार्ड जो हम एंड में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। बाकी इन कार्ड से हमें पता चलेगी आपकी एनर्जी और इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। ऑल राइट, स्ट्रेट अवे मेरा ध्यान जा रहा है ये सेंटर कार्ड में, विच इज न्यू बिगिनिंग्स। सो जुलाई में, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि अगर आप में से बहुत लोग कुछ करना चाहते थे, आधा साल निकल गया पर किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से नहीं कर पाए, किसी भी वजह से अगर आप नहीं कर पाए, जुलाई इज अ वेरी प्रॉमिसिंग मंथ। आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि चाहे एक नया रिलेशनशिप हो, घर बदलना हो, कुछ नया खरीदना है, नया कहते हैं ना, नई जॉब, नया करियर, कुछ भी नया जो आपको वन से शुरू करना है वो आप जुलाई में कर सकते हैं। और आप में से शायद बहुत लोग सोच भी रहे होंगे ऑल्सो, क्योंकि जुलाई एस्ट्रोलॉजिकली या कहते हैं ना प्लैनेटरी पोजिशंस में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव मंथ आ रहा है इस साल में। सो आप में से बहुत लोग कुछ नया शुरू करने वाले हो, समथिंग न्यू इज कमिंग फॉर यू विच इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। ये आप एक पर्सनैलिटी चेंज भी हो सकता है, ये आपकी खुद की एक पर्सनल जर्नी जो आप शुरू कर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हो। जैसे अगर आपने वेट लॉस भी करना है तो आप शायद ये गोल बना के बैठे हो कि मैं पहली जुलाई से, 1 जुलाई से ये काम शुरू कर दूंगी या कर दूंगा। सो योर कैलेंडर्स आर मार्क्ड,
कुछ नया शुरू करने के लिए जुलाई आप में से बहुत लोगों ने चूज कर रखा है। नाउ मैं जब आपके बाकी के कार्ड्स देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचना चलता है दिमाग में, बहुत ज़्यादा बातें आती हैं, और ये सोचना आपका, कहते हैं ना, जुलाई में भी चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप फाइनली वो बातें सोच रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं पुश कर रही हैं और बेनिफिट कर रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देख के कि आप कुछ पीछे छोड़ना चाहते हो, आप अपना ही कोई पर्सनालिटी ट्रेट, अपनी कोई हैबिट, अपना ही कोई लाइफ का हिस्सा पीछे छोड़ना चाहते हो जो अभी तक आप नहीं छोड़ पा रहे थे। आप सोचते बहुत थे इसके बारे में कि छोड़ना है, हाँ कट ऑफ करना है, ये चीज़ शुरू करनी है, अपने बारे में ये चीज़ बदलनी है, अपनी कोई कमज़ोरी पीछे छोड़नी है, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे थे। अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करना कि कह लीजिए कि अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं, म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से अंडर एस्टिमेट करना कि शायद मुझ में वो बात नहीं है, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, क्या मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है, क्या उतना सपोर्ट मिलेगा। सो डर, जैसे डर बैठा हो मन में, और वो डर किसी ने नहीं दिया, खुद ने ही अपने ऊपर ले रखा है। जुलाई के मंथ में आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है, आप वो हर चीज़ डिजर्व करते हैं जिसके आप सपने देखते हैं, यू नो। एंड जुलाई में यू विल कम इनटू फुल पावर, आप अपनी पूरी पावर में आने वाले हो। ये जो नया शुरू करने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना, जो पुश चाहिए, वो आपको यूनिवर्स दे रहा है, और आप इसका पूरा फायदा उठाओगे। लाइक अब आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता, अब पाइल टू वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं, उनमें हिम्मत आ गई है, उन्होंने अपनी हिम्मत इकट्ठा की है और फाइनली डिसाइड कर लिया है बहुत सोचने के बाद कि ये चीज़ अब हमें शुरू करनी ही पड़ेगी। आप में कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप में वो हर चीज़ अचीव करने की, कहते हैं ना, पावर है जो आप करना चाहते हो, लेकिन किसी के कहने पे, किसी के आपको डीमोटिवेट करने पे, या खुद के बारे में ऐसा सोचने में कहीं ना कहीं आप अपनी पावर लूज करते हो। लेकिन यू आर गुड इनफ, यू आर डेफिनेटली गुड इनफ। ऑल्सो वर्गो, फुल मून इन वर्गो यहाँ पे लिखा है, तो मैं कहूँगी सितंबर का टाइम आपके लिए बहुत सब्सटेंशियल हो सकता है, जैसे हम कुछ जुलाई से शुरू कर रहे हैं और सितंबर तक अचीव करना चाहते हैं। सो फुल मून इन वर्गो यानी कि उस टाइम पे सितंबर के फुल मून तक हो सकता है आप में कुछ बहुत, ये जो न्यू बिगनिंग है वो तब जाके कंप्लीट हो जाए, या कहते हैं ना एक डिफरेंट लेवल पे होगी सितंबर में। सो जुलाई इज़ अ वेरी वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट समथिंग। किसी की हेल्प लीजिए जो सोचते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी खुद सोच सोच के अपने आप को तंग करना है। यहाँ पे कोई इंसान जो आपके लिए अच्छा सोचता है, जिसको कहते हैं ना नॉलेज है किसी चीज़ की, जो कोई चीज़ परख सकता है, समझ सकता है, डिटेल्स को समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, ऐसे किसी इंसान से आप जुलाई में कनेक्ट होंगे और ये इंसान आपकी हेल्प करेगा। मुझे नहीं लगता कि आप अपने मैजिक में बिलीव करते हैं, कहते हैं ना, और मैजिक दिखता भी उन लोगों को है जो मैजिक में बिलीव करते हैं, रिपीट हो गया, लेकिन आपसे कार्ड्स कह रहे हैं कि आप वो मैजिक जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था, जुलाई के टाइम में आप वो एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब अपने अंदर ऐसे चेंजेस, आपको शायद किसी ने कभी बताया होगा, कहते हैं ना जैसे एलियन के बारे में किसी ने बताया, और एलियन के बारे में हमने सिर्फ सुना है, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने देखा नहीं तो हम विश्वास नहीं करते, कही सुनी बातें हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तो आपको एलियन दिख भी जाएगा, आपको एलियन दिख भी जाएगा। सो जुलाई में कुछ ऐसे मिरेकल्स होने की एक्सपेक्टेशंस आप रखिए जो आपकी इस नई शुरुआत की वजह से, आपकी इस हिम्मत की वजह से, आपको खुद को पावर देने की वजह से आप देखोगे। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, मैं कहूँगी इस जुलाई की एनर्जी का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। और चलिए देखते हैं अब टैरो से कि क्या चेंजेस हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और ओवरऑल एक कार्ड देखेंगे। सो पाइल नंबर टू, एंजल्स प्लीज टेल मी फॉर पाइल नंबर टू, गिव मी वन कार्ड फॉर दैट पर्सनल लाइफ। ओके, वन कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। ऑल राइट, एंड वन कार्ड फॉर देयर ओवरऑल गाइडेंस। ओके, सो अब ना पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आपके, मतलब पूरी कहते हैं ना कहानी बता रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, जो एक्सट्रीम स्ट्रेस का कार्ड है। मतलब हो सकता है कि अभी तक
आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन किसी चीज़ का लेके बैठे हो, जैसे अभी तक आपने ही अपने रिश्ते में सब कुछ किया है। और कहते ना, हम ये भार गिराना चाहते हैं क्योंकि अब हमारे कंधे भारी हो रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हो रही दूर जाने की। हमें हिम्मत नहीं हो रही कि भाई इसके अलावा कोई और मिलेगा, हम यही डिज़र्व करते हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है, मे बी आई एम सपोज टू लिव विद दिस पर्सन ओनली। सो आपका स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पे जुलाई में, एंड आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका वो टाइम आ गया है कि जुलाई में अब आप ये अपने ऊपर से ये बोझा उठा के नीचे रखोगे, क्योंकि ये जो आप अकेले ही उठा रहे हो ना और अपने कंधों में दर्द ला रहे हो, ये अब आपको नीचे रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक जुलाई इज़ द टाइम जब आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। ये आप खुद से भी कर सकते हो, और हो सकता है ना कि इसी वजह से आप इतना ज़्यादा सोचते हो, ये चीज़ आपके दिमाग में रहती है। सो जुलाई इज़ द मंथ, या तो आपका रिलेशनशिप जिनके साथ आप हैं दोबारा रिवाइव हो रहा है, आप दोनों बात कर रहे हो, दोबारा एक दूसरे को मौका दे रहे हो, और स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस नहीं हो रहा है, डी स्ट्रेस हो रहा है, या आप मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि अब आप ये स्ट्रेस और नहीं लेना चाहते। आपको शायद कुछ लोग बोलते होंगे या आप अपने आप को ये बोलते हो कि मैं यही डिजर्व करता हूँ, मुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मुझे इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, या फैमिली की इतनी कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस है कि आपने बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर ले रखा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अब अपने आप को इस स्ट्रेस से दूर करोगे। सेम कार्ड ऑलमोस्ट विद द सेम हैवी एनर्जी कार्ड आपका आया है प्रोफेशनल फ्रंट में। हम कहीं दूर जाना चाहते हैं, सो हो सकता है आप में से कुछ लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, जहाँ पे हैं वहाँ से दूर जाना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग किसी नए शहर में, नए कंट्री में हो सकती है, नए सिटी में हो सकती है, और आप श्योर नहीं हो कि विल आई मैनेज, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपकी करंट जॉब में या करंट एजुकेशन में आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो। यहाँ पे कहते हैं ना, अगर पैसा भी मिल रहा है तो खुशी की कमी है, सुकून की कमी है, सुख की कमी है। सो आप अपनी करंट प्रोफेशनल सिचुएशन से, चाहे हो सकता है कि ये परमानेंट सिचुएशन ना हो, कुछ टेम्पररी ऐसा चल रहा है काम में जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे कुछ बेटर करने की ज़रूरत है जिससे मुझे इमोशनली खुशी मिले। एंड पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप अभी बहुत खुश भी हो और चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कोई नया जॉब ऑफर, कुछ छोड़ के हम आगे जा रहे हैं जो हमारे लिए एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। सो आपके लिए न्यू बिगनिंग आपके हर पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल कार्ड में भी नज़र आ रही है, क्योंकि पाइल नंबर 2 आपका आया है 3 of Swords का कार्ड, जो होता है एक हार्ट ब्रेक का कार्ड। हमारा दिल टूटा हुआ है, हमारा दिल एक नई बिगिनिंग चाहता है, हमारा टूटा हुआ दिल हमें सोचने पे बहुत मजबूर करता है। मतलब हम इसलिए मिरेकल्स और जादू में विश्वास नहीं रखते, हम अपने आप को इतनी कम वैल्यू दे रहे हैं, इतना कम फील करवा रहे हैं कि हम बस अब छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव फ्रीली, हमें हिम्मत से जीना है, और ये आप जुलाई में रियलाइज करेंगे। ये शुरुआत, ये न्यू बिगिनिंग आपकी जुलाई में ही है। ये जो दिल टूटा है ना, इसका लोड जुलाई में निकलना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप अपने आप को इन सब एनर्जी से फ्री करोगे। और मैं आपको कहूँगी कि विलिंगली विशफुली ये मैनिफेस्ट करिए कि जुलाई से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए, आप किसी से कम नहीं है, आप हर चीज़ डिजर्व करते हैं, उसकी शुरुआत जुलाई से होनी चाहिए। आई मीन आई विश आई कुड टेल ईच वन ऑफ यू जिन्होंने पाइल 2 चूज किया और जो इससे रेजोनेट करेंगे कि हाउ मैजिकल यू आर, सीरियसली। एंड गाइडेंस कार्ड, फिर एंड में मैं आपके टी लीफ कार्ड्स भी ओपन करूंगी जिससे हमें और गाइडेंस मिल सकती है और कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स मिल सकते हैं। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। अगर आप यहाँ देखोगे इस फोटो में एक लड़की बनी है जिसके पर नहीं है, वो अपने हाथों से उड़ रही है, वो खुद उड़ रही है। सो आपको शायद कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने की आदत है, या आपकी खुशी ना दूसरों पर डिपेंड करती है, आपकी सक्सेस दूसरों पर डिपेंड करती है। आपको लगता है कि आप कुछ अकेले नहीं कर पाओगे, या अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना तो एक डर रहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी। आप अपनी आज़ादी क्लेम नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप वो आज़ादी हैंडल नहीं कर पाओगे, आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। लेकिन आपको काज यही कह रहे हैं, आपका गाइडेंस भी यही आया है कि आपको पर की ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए। अगर आपने दिमाग में ठान लिया, अगर आपकी विल है, तो ये मैजिक, ये बिलीव इन मैजिक का कार्ड देख रहे हैं, ये मैजिक आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप बिना पर के भी उड़ सकते हो। यू आर सपोज टू फ्लाई फ्री एंड विदाउट एनी फियर। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है,
आगे कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये न्यू बिगनिंग शुरू करने के लिए भी आपको किसी की जरूरत नहीं है. अगर आपने ठान लिया, आप ये खुद से कर लोगे. रिमेंबर, यू आर गुड इनफ. करेज, हिम्मत लानी है. एंड जुलाई, आई थिंक कुछ बड़े फंटास्टिक चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा. एंड नाउ फॉर द लास्ट सेक्शन, हम आपके टी लीफ का यहाँ पे शफल करते हैं. सो फॉर पाइल नंबर टू, वॉट इज कमिंग फॉर देम इन जुलाई 2022. सो मैं ये रैंडमली शफल कर रही हूँ. पाइल नंबर टू, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे. राइट, सो फॉर पाइल नंबर टू टी लीफ गाइडेंस, विक्ट्री इन सम एंडेवर. सो आप अगर कुछ जुलाई में शुरू करते हैं, आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी. हो सकता है जुलाई में ही आप उसका रिजल्ट देख लो, या आपने कुछ अगर पहले से शुरू किया हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है. बट सक्सेस है, विक्ट्री है. फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूजेशंस. तो आप ये जो परेशान हैं, लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी ने आपको मुसीबत में डाला है, किसी और की वजह से आप सफ़र कर रहे हो, जुलाई में इस एनर्जी को छोड़ दीजिए पीछे. डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. कोई आपका दोस्त आपको एडवाइस कर रहा है, उसकी एडवाइस को सुनिए, उसको सुनिए. मतलब हो सकता है कि वो सुनने में वो एडवाइस इतनी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग या सब्सटैंशियल नहीं सुनाई दे रही हो, लेकिन एंजल जहाँ पे कह रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड है जो आपकी केयर करता है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, उनकी एडवाइस लीजिए. फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, एग्जैक्टली. आई थिंक आपको लगता है, या ऐसा हो भी रहा है, ठीक है, बाय लक या हमारी फेट में, कि कुछ चीज़ें हमारी अगेंस्ट काम करती हैं, मेरे अगेंस्ट भी काम करती हैं, चाहे मैं टैरो करती हूँ या कुछ भी करती हूँ. हम सबके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करता है, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या हमें लाइफ के लेसन्स, हमारे कर्मा के लेसन्स देने के लिए. सो आपके अगेंस्ट भी यस, कुछ फोर्सेस. क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ ही ठीक हो जाएगा जुलाई में. जुलाई में भी आपको रेजिस्टेंस फील होगी, एक प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है. यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन. तो हो सकता है कि ये फीमेल हो सकती हैं जो आपकी हेल्प भी कर सकती हैं, या आपकी फ्रेंड हो सकती हैं जो आपको एडवाइस दे रही हैं. ये फीमेल ये भी हो सकती है जिनकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिनकी वजह से आपका दूर जाने का मन कर रहा है, जिनकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं. सो आप इस इंसान से इन अ गुड वे और बैड वे कैसा डील करते हैं जुलाई में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू पाइल नंबर टू, एंड आई होप जुलाई इज द मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग फॉर यू एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल फॉर यू. ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, बाय. हाई पाइल नंबर थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग के लिए, क्योंकि सेकेंड पाइल की रीडिंग के बाद मेरी कैंडल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी. एंड कई बार होता है ना, कुछ नए चीज़ यूज़ करने की एक्साइटमेंट रहती है, तो आई वॉज वेटिंग टू ट्राई दीज न्यू कैंडल्स. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे आपके पाइल में ये मौका मिला है इनको जलाने का. आपने चूज़ किया था ये स्मोकी क्वार्ट्ज, जिसको मैं रख देती हूँ यहाँ साइड पे. ये है आपका गाइडेंस कार्ड, जो हम एंड में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए. टैरो एंड टी लीफ कार्ड्स ऑब्वियसली मैं आपके सामने शफल करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं ओरेकल से. ओके, राइट. सो स्टार्टिंग विद द सेंटर मैसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग एंड लर्निंग का यहाँ पे कार्ड है. आप जुलाई में या तो कुछ लर्न करने की सोच रहे हैं, कहते हैं ना हम कुछ नया सीखना चाहते हैं. अगर ऐसा कुछ भी आपकी विश है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी स्किल्स को, आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में कहते हैं नई चीज़ में जागा है, तो आप जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली उसको सीखना शुरू करोगे. और आप उसमें इतने अच्छे हो सकते हो, काज कह रहे हैं कि आप एक्चुअली वो चीज़ आगे पढ़ा भी सकते हो. देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, व्हाटएवर यू आर लर्निंग यू कैन ऑल्सो टीच इट,
और कैमरे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सीधा करना चाहती हूँ. यस, सो या एनीथिंग दैट वी आर लर्निंग, इतना उसमें माहिर हो जाना, इतना उसमें मास्टर हो जाना कि हम उसको आगे पढ़ा भी सकते हैं. हो सकता है आप ऑलरेडी टीचर हो, टीचिंग जॉब करना चाहते हो, आप यू नो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आगे पढ़ाना चाहते हो, तो आप इस जुलाई से उसको सीखना शुरू कर सकते हैं. एंड या आपके करियर के लिए, सिर्फ पैशन के लिए, पर्सनल अगर आप कुछ ऐसे ही सीखना चाहते हैं टाइम पास के लिए, बट काज सेइंग कि आप उसमें इतना अच्छा कर सकते हो कि अगर आप उसमें करियर बनाना चाहो, स्पेशली टीचिंग का, क्योंकि आपकी नॉलेज पता कैसे है, ये टीचिंग लर्निंग इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस फॉर यू. आप शायद बहुत अच्छे एडवाइजर्स भी हैं, जैसे अगर आपने अपने लाइफ के कुछ लेसन सीखे हैं जो आपके ऊपर यू नो अगर ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे आपकी लर्निंग हुई है, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम बढ़ी है, तो काज कह रहे हैं कि आप उनको जब दूसरों के साथ शेयर करते हो ना, तो वो भी अपने आप में टीचिंग ही है, वो भी आगे किसी को सिखाना, अपनी नॉलेज शेयर करना. सो ये चीज़ भी आप कर सकते हो. लेकिन आई थिंक येस यू विल बी लर्निंग समथिंग, आपका इंक्लिनेशन हो सकता है, और फिर वही चीज़ हम आगे जाके सिखा रहे हैं, वेरी हाई चांस फॉर दैट. एंड दैट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब रॉकेट साइंस से लेके म्यूजिक, पैशन से रिलेटेड, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, जो आपकी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है. नाउ देयर इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक. अभी तक आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं और आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि पास्ट को पीछे छोड़िए, साउथ नोड से अब हमें नॉर्थ नोड की तरफ आगे पढ़ना है. साउथ नोड इज हमारा पास्ट, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, हमारी पास्ट लाइफ, हमारे जो अभी तक के साल हमने जिए हैं उनमें हमारे साथ क्या हुआ है, उनकी कहते हैं ना एनर्जी को होल्ड करके रखना, वो ग्रजेस को होल्ड करके रखना कि जो अभी पास्ट में ऐसा मेरे साथ हो गया है, अभी आगे क्या. आपको फॉरवर्ड देखने की ज़रूरत है. कई बार आप मुड़ के देखते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लाइफ को मुड़ के देखते हो, जो देखना चाहिए. वी शुड नेवर फॉरगेट हम कहाँ से आए हैं, लेकिन उनका इम्प्रेशन हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा हो जाना कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ये चीज़ को आप जुलाई में मेरे ख्याल से रियलाइज करेंगे, और अपने पास्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है. आपके लिए कार्ड आए यहाँ पे एक्सपैंड योर होराइजन्स, तो आप डेफिनेटली अब आगे की सोच रहे हैं. मेरे लिए ये टू ऑफ कप्स का, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एक तरीके से, उसकी मुझे यू नो फील आ रही है इस कार्ड से, कि आपको अब ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे अगले 5 महीने कैसे जाएंगे. आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है बड़ा सोचो, बड़ा सोचो. देखो बड़ा इतना ज़्यादा कि मेरा कार्ड गिर गया, कि आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है. अगले 5 साल में क्या मैं कहाँ पे होऊंगा, और शायद आप कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर रहे हो, ये अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से, या अपने डर की वजह से, सर्कमस्टांसिस की वजह से. आपको कार्ड कह रहे हैं कि जो आप कर सकते हो वो तो ठीक है, उससे आगे सोचो. आप शायद अपनी लिमिट को जानते ही नहीं हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते ही नहीं हो, आप बहुत ऑब्वियस चीज़ें सोच रहे हो, बहुत ऑब्वियस. मतलब ठीक है यहाँ तक सीख लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तो आप पहुँच जाओगे. आपको यूनिवर्स यहाँ देखना चाहता है आप में यहाँ तक की काबिलियत है. सो दूर तक सोचना है, बड़े ऑप्शन सोचने हैं, बड़ी पिक्चर देखनी है, छोटी नहीं. अभी अगले 5 महीने की नहीं, 5 साल में हम कहाँ होंगे, हमें क्या होना चाहिए. हो सकता है आप अपनी कोई हिडन टैलेंट को जो है डिस्कवर करने में कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो. आपको अपनी, मैं कहूँगी कि अपने आप को एनालाइज करिए, सर से पांव तक, अंदर से बाहर तक, आप में क्या क्या खूबी है, और क्या आपने उस खूबी को मौका दिया है, क्या आपने उस खूबी को एक चांस दिया है उसको बेटर करने का, उसको आगे ले जाने का. दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन टू यू इन जुलाई. इन डिसीजन, हमारे पास 2 ऑप्शंस है, हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता लें. मतलब अगर हम कुछ सीखना भी चाहते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता हम क्या सीखें. हम 2 चीज़ों में भी अच्छे हो सकते हैं, या किस में पैसे ज़्यादा मिलेंगे, किस में पैसे कम मिलेंगे, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है. और इन डिसीजन कि करें या ना करें, बेसिक डिसीजन कि ये करें या ना करें. सो ऐसी कुछ कन्फ्यूजन जुलाई में मैं आपको एक सिंपल फंडा बताती हूँ, जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, जो चीज़ आपको अंदर से इंस्पायर करती है, अंदर से इल्यूमिनेट करती है, वो चीज़ आप करोगे जुलाई में. कहते हैं ना जो हमारा मन बोल रहा है, दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग तो कैलकुलेटिव है. मतलब हम दिमाग को, मतलब कहते हैं ना कैलकुलेशन, पैसा, उससे ऊपर कुछ सोचते ही नहीं है.
आप वो चीज करो जो आपका दिल करना चाहता है, जिसके अंदर से आप कहते हैं ना, आप ऐसा कुछ करो जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकोगे, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू टीच। अगर आप जिस चीज से इंस्पायर होते हो उसमें कुछ बहुत कमाल, कुछ में कुछ बहुत बढ़िया कर जाओगे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को इंस्पायर करोगे कि वो भी अपना दिल फॉलो करें। तो कुछ ना कुछ आपको इंस्पायर कर रहा है जुलाई के टाइम में, जो आपकी कंफ्यूजन भगाएगा। अपने दिल की सुनिए, दिमाग को साइड पर रखिए। इस कार्ड से मैं यही बोलूंगी कि अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या कहता है करने को। एक डिसीजन हमें लेना है, ये दो लोगों के बीच में है, दो रिलेशनशिप्स के बीच में है, दो जॉब्स के बीच में है, दो कंट्रीज के बीच में है, किसी भी चीज, दो टैलेंट्स के बीच में है, जो पास्ट में है ना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थोड़ी पास्ट टाइम से चलती आ रही है, अब इसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू बी एन इंस्पिरेशन यू हैव टू स्टार्ट। तो सीखना शुरू करिए, बड़ा सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, दिल से सोचिए, एंड देन इन जुलाई आई थिंक अ न्यू जर्नी, अ न्यू लर्निंग इज स्टार्टिंग फॉर यू। एक नई लर्निंग शुरू हो रही है जो आगे जाके आपको कहते हैं ना, खुद इंस्पायर करेगी और बेटर करने के लिए, और आप दूसरों को इंस्पायर कर पाओगे। नाउ टैरो शफल करते हैं। यहाँ पे एक कार्ड लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, एक आपकी प्रोफेशनल के लिए, एंड देन एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड लेते हैं यहाँ पे। फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज गिव वन कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ इन जुलाई 2022। ओके, पाइल 1 का एग्जैक्टली यही कार्ड आया था। तो अगर आप कहीं पाइल 1 में कंफ्यूज हुए थे, तो चांसेस हैं कि दोनों पाइल्स आपके लिए हो सकते हैं। वन कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, एंड वन कार्ड फॉर देयर ओवरऑल वेलबींग। राइट, देखिए इंडिसिजन का कार्ड है, फिर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, कंफ्यूजन का कार्ड दोबारा। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमें बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन हम चूज नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो जुलाई का मंथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप आई थिंक आप लिखोगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब अच्छा है, और आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन का टाइम हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन, कहते ना कॉम्प्लेक्स डिसीजन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं, तो हम क्या करें। आपको एक ऐसी चीज चूज करनी है, और मैं कहूंगी फिर दोबारा कि मन से करिएगा, वो आपके लिए अच्छी होगी। कई बार होता है ना कि अगर आपके पास ये 7 कप है और आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि तुम सिर्फ एक चूज कर सकते हो, और आपको यही होगा यार अगर मैंने ये चूज कर लिया तो ये मिस ना हो जाए, कहीं इसमें सोना था तो यहाँ डायमंड ना मिस हो जाए, ऐसे करके अपॉर्चुनिटीज हमेशा कैलकुलेशन करते रहना कि कुछ मिस आउट तो नहीं हो जाएगा, कुछ रह तो नहीं जाएगा, जो ऑप्शन लेंगे, जो चूज करेंगे, कहीं वो सही तो नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप है तो यार पास्ट में ऐसे लोग थे, पास्ट के रिलेशनशिप के ग्रजेज अभी तक मेमोरीज हैं, तो आगे अब ये जो लोग आएंगे या ये जो इंसान है, कहीं ये दोबारा गलत इंसान तो नहीं आ जाएगा लाइफ में, कहीं दोबारा से कोई पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहा है। सो एक वो कन्फ्यूजन कॉम्प्लेक्स डिसीजन आपको जुलाई में लेना है, इस कन्फ्यूजन से बाहर आना है। आपके पर्सनल लाइफ के लिए 10 of Wands का कार्ड है, विच टॉक्स अबाउट स्ट्रेस, कि आप कितना स्ट्रेस लेते हैं। अगेन मुझे लगता है कि ये पास्ट की वजह से है, पास्ट की वजह से, आपके प्रेजेंट की वजह से है, जहां पे हम अपने लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपने लाइफ के डिसीजंस बनाने में, अपनी लाइफ की चॉइसेस रिफाइन करने में, दूर का नहीं सोच पा रहे हैं, सब कुछ बहुत पास में है। कई बार हम अपनी कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से लाइफ में ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचना है ना कि रोज का घर कैसे चलेगा। तो पैशन की बात करो कि पैशन फॉलो करो, चाहे पैसे मिले या ना मिले, बट आई कैन सी द स्ट्रेस। जुलाई में आप अपने आप एक तरीका ढूंढ लोगे इस स्ट्रेस को ड्रॉप करने का। ये जो आपने अपने कंधे पे लिया हुआ है ना स्ट्रेस, आप इसको ड्रॉप करोगे, चाहे रिलेशनशिप का क्यों ना हो। आप कहोगे कि मैं अकेले ये रिलेशनशिप में नहीं हूं, ये सब कुछ मुझे अकेले नहीं करना है, सारी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है। सो यू हैव टू पुट दैट बर्डन डाउन, और आप ये करोगे पाइल नंबर 3, क्योंकि अब 10 of Wands के आगे साइकिल खत्म हो जाती है। तो यानी कि हम बिल्कुल स्ट्रेस में नीचे जा रहे हैं, वो उसके बाद हमें ऊपर ही आना पड़ेगा। सो दैट न्यू बिगिनिंग इज हैपनिंग फॉर यू इन जुलाई। दी एम्प्रेस कार्ड फॉर प्रोफेशनल। तो बहुत लोग जो यहाँ पे ब्यूटी, फैशन,
कपड़ों का काम करना चाहते हैं, स्टाइल का काम करना चाहते हैं प्रोफेशनली, आपके लिए ये बहुत एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है, एक यू नो एक नया मंथ हो सकता है। शायद आप फैशन में, डिजाइनिंग में कुछ सीखना चाहते हैं, ब्यूटी से कुछ भी रिलेटेड, ब्यूटी और मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसिंग, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, ऐसी चीज़ें जो हमें निखारती हैं, जो हमें और यू नो हमारी पर्सनालिटी को और बूस्ट करती हैं, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होती हैं, वो चीज़ें आपके लिए अगर आप करना चाहो, आप में से कुछ लोग उसके फील्ड में कुछ सीखना चाहो, तो जुलाई के मंथ में आप सोच सकते हो। स्पेशली यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इनहेरिटेड मनी आता हुआ नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा, जैसे कहते हैं ना कि हमारे इनहेरिटेड पेरेंट्स से हमें कुछ मिल रहा है काम करने के लिए, सो वो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ टू डू समथिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ। आप ऐसी ही चीज़ करोगे जिसमें आपको, कहते हैं ना, आपको शौक है, जिसमें आपका पैशन है, जिस काम की आप केयर कर सकते हो, ये जान के कि ये काम भी आपकी केयर करेगा रिटर्न में। सो देयर इज गोइंग टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन यू एंड योर वर्क। इंस्पिरेशन की अगर मैंने बात की है, ब्यूटिफाइंग, किसी चीज़ में ब्यूटी ऐड करना, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इस फील्ड में कुछ करो, या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप इसका एक, कहते हैं ना, दो लेवल और ऊपर ले जाने की सोचोगे जुलाई के मंथ में। तो उसके लिए अगर हमें कुछ नया सीखना है, कहीं नई जगह एडमिशन लेना है, वेरी हाईली पॉसिबल कि आप ये करो। सो वेरी गुड कार्ड, स्पेशली फॉर पीपल रिलेटेड विद ब्यूटी, फैशन, स्टाइल, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर, फिजिकल अपीयरेंस से लेके कुछ ना कुछ हो सकता है। आप अपने यू नो ऑफिस का इंटीरियर चेंज करने की सोच रहे हो, ऑफिस का इंटीरियर चेंज करना है। ओ आई एम सो सॉरी, वो मुझे तब से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था कि मुझे पता था ये बंद होने वाला है, बट एनीवेज, सो हम अपने ऑफिस की लुक चेंज करने का सोच रहे हैं, हम अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग। सो यस, वी आर लर्निंग समथिंग और ब्यूटिफिकेशन हो रही है काफ़ी ज़्यादा। सो ये है टैरो, और अब यहाँ पे मैं गाइडेंस कार्ड, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। आपको कोई नहीं चाहिए आपको सपोर्ट या लड़ने के लिए, आपके लिए, कहते हैं ना कि हमें एक मंत्री चाहिए, मंत्री नहीं, हमें एक सैनिक चाहिए, एक बॉडीगार्ड चाहिए हमारे लिए लड़े, ताकि हम सेफ और सिक्योर फील कर सकें, कोई अंधेरे में हमारे आगे चलना चाहिए, रास्ता दिखाने के लिए। यहाँ पे आपको एंजल्स यही कह रही है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आपको ये रास्ता दिखाने के लिए, आप खुद अपने वॉरियर हो, आप खुद अपनी प्रोटेक्शन करोगे, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे। अगर पास्ट में अटके हुए हो, किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको, आप अकेले काफ़ी हो, एटलीस्ट अपनी खुद की पर्सनल वॉर लड़ने के लिए आप अकेले काफ़ी हो। ये जो पर्सनल वॉर है, पर्सनल जंग है, इसको जीतने के लिए, इसको लड़ने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हो। सो यू हैव फुल पावर, पाइल नंबर 3। जुलाई में कोई भी चीज़ अगर आपको रोक रही है, आपको कंट्रोल फील करवा रही है, आप उससे खुद ब्रेक फ्री करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी कार्ड में ऐसा नहीं आया कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है। इतना स्ट्रेस है पर्सनल लाइफ में, यू नो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना बर्डन है, आपको सच में ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके साथ ये बर्डन शेयर करे। आप में वो काबिलियत है, आप में वो पावर है कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लोगे। ऑलराइट, नाउ अब हम यहाँ पे अपने टी लीफ कार्ड्स देखते हैं, रैंडमली मैं पिक कर रही हूँ। सो फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट इज इन स्टोर फॉर जुलाई 2022 फॉर पाइल नंबर 3। ओके, एंड वन मोर, राइट। सो ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस ऑफ बिजनेस, यानी कि आप या तो किसी इंसान से अलग हो रही है, या अगर किसी के साथ किसी बिजनेस पार्टनरशिप में है या जॉब में है तो आप अलग हो रहे हैं। सो सी, मैंने कहा है ना कि यहाँ पे कंफ्यूजन है और हमें क्या करना है, हम उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आपको किसी से अलग होने की भी ज़रूरत है, चाहे पर्सनल लाइफ में भी, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप ये शायद जुलाई में करेंगे। बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको रिकग्निशन मिलेगी। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा, आप अपनी फील्ड में रिकग्नाइज किए जाओगे। अगर आप ये काम करते हो, कुछ नया सीखते हो,
आपको डेफिनेटली अच्छे काम के लिए, मैंने कहा ना आप इंस्पिरेशन बनोगे, आपको वो नाम मिलेगा, आपको वो रिकग्निशन मिलेगी. टाइम टू एक्ट. यस, पास में नहीं रह सकते, कंफ्यूज नहीं रह सकते. सेवन ऑफ कप्स. अब टाइम है डिसीजन लेने का और एक्ट करने का. अब कदम बढ़ाने का टाइम आ गया आपके लिए. पेल. टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन. यस, रिपीटेड मैसेजेस और ये रैंडम मैसेजेस हैं. आप जिस सिचुएशन में है इससे बाहर आइए, क्योंकि अब आप इस सिचुएशन, अगर आपको आगे अपनी लाइफ लेके जानी है ना, पाइल नंबर थ्री, आई थिंक कहीं अब किसी का इंतजार करना छोड़ दीजिए कि कोई आके आपको हेल्प करेगा और इससे बाहर निकालेगा. आप जुलाई में खुद इससे बाहर आओगे. आपको मन बनाना है वो, और वो मन आप डेफिनेटली बनाओगे. विंड शाइन्स. पीस एंड हार्मनी. यस, एक बार इस सिचुएशन से बाहर आओगे, एक बार एक्शन ले लोगे, ठीक है ना, एक बार जिन लोगों से दूर हटना है, जिस सिचुएशन से बाहर निकलना है, वहां से बाहर आ जाओगे, ऑफ कोर्स शांति आएगी ही. जुलाई में शांति आएगी, जुलाई में पीस आएगी, चीजें वापस ठीक होने लगेंगी, जुड़ने लगेगी. कहते हैं ना, लाइफ का एक मैप समझ आने लग जाएगा आपको. ऑल राइट, सो पाइल नंबर थ्री, बिग हग टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू. आई होप आपका जुलाई बहुत अमेजिंग जाए और बहुत पावरफुल जाए. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट करी, अगर आपने इसे इन्जॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. सी यू सून. बाय.